तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि आप सब भाइयों का भाई मकसूद भाई और मैं आज जा रहा हूँ पूरा पाकिस्तान का सैर कराने आप लोगों को, और आपको दिखाऊंगा कि पाकिस्तान के हालात क्या है। गाइस आज दो बंदे मेरे को सामने मिले, चलन के इनसे मिलता हूँ कि क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। हेलो गाइस, तो आप मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हो ये बता दूं उनको। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, जो आपके जेब में माल वगैरह है सब कुछ निकालो। बंद करो गाइस, ये देखो ये बहुत गलत हो रहा है मेरा साथ। ये देखो मेरे को एक आंख से कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जैसे कि आप जानते हो ये है हमारे मुल्क के हालात। जैसे कि आप जानते हो एक घंटे पहले मेरे को मार पड़ी, लेकिन क्या करें, चैनल के लिए सब्सक्राइबरों के लिए ये मार खानी पड़ती है। ये एक काम है हमारा लोगों को खुश करने के लिए। और फिलहाल मैं एक ऐसी सुनसान जगह में बैठा हूँ, बिल्कुल रिलैक्स हो रहा हूँ, इस मतलब हल्का होने आया हूँ मैं यहाँ पर। वीडियो जोड़े हर जगह और हमारे पर जगह के नाश्ते आ रहा है। हमारा राधा प्रेर पंगोली नाश्ते सड़े। जैसे कि आप जानते हो हल्का होने भी ये लोग हमें नहीं देते हैं, लेकिन क्या करें कुछ करना पड़ता है। बहुत गलत जगह पे बैठा हूँ, आगे जाना पड़ेगा। हेलो गाइस, अभी जैसे कि मैं आया हुआ हूँ एक खूबसूरत जगह में, आपको मैं दिखाता हूँ ऑस्ट्रेलियन गाय। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाइयों, क्या हाल है। चलो तो मेरे व्यूवर्स को आप दिखाओ कि या क्या होता है क्या नहीं होता है। चलो आ जाओ, एक बंदा आ जाओ मेरे साथ। आप इसके बारे में मुझे बताओ कि इसके क्या सीन है, दूध कितना देता है, और ये दिन में जो है ना पानी कितना पीता है। भाई दूध मूध को छोड़ो, ये जितना इसका गोबर हमारे को फायदा देता है ना, आपको मैं बताऊं तो आप हैरान हो जाओगे। गाइस ये नोट कर लो, ये नाजरीन ये देखो इस गोबर की ये बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसका बहुत मुनाफा है। और गाइस आगे चलते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। तो भाई आप ऐसा करना कि अभी दूध शुद्ध पिलाओ हमें, और फिर इंशाल्लाह आगे की वीडियो हम बनाएंगे फिर। भाई दूध मूध नहीं, आपका टाइम हो गया, कैमरा वैमरा उठाओ और निकलो। शाबाश शाबाश गाइस, जैसे कि ये बेस्ती कट करनी पड़ेगी। नाजरीन जैसे कि खबर आई है कि आप फौजी हुए, चल के आपको मैं दिखाना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स को। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान फौजी किसकी हुई थी, मचीन का नाना था। नाजरीन जैसे कि आप जानते हो इस बंदे का नाना फौत हुआ है, और ये भाई बड़ा गम में है। नाजरीन इसके लिए कोई कमेंट होना चाहिए। ऐसे लोगों का ना गम है ना खुशी है, हर जगह में मोबाइल पकड़ा होता चेहरे पे। जैसे कि नाजरीन आप जानते हो कि आज मैं या